मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है 30 दिसंबर, कल 31 और फिर आपका नया साल शुरू हो जाएगा। तो ये जो नया साल है, इसको शुरू होने के पहले हमारा कोशिश ये है कि जनवरी से लेके दिसंबर 2021 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको हम एक राउंड रिवाइज कर लें। आज मैंने 3 मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च और एक्चुअली अप्रैल भी उसके करंट अफेयर्स निकाले हैं। आप लोग जो है वो अपने आप को चेक कर लीजिए, आपको कुछ चीज़ें याद हैं कि नहीं याद हैं, क्या आपका स्टेट ऑफ माइंड है, और उसके बाद वी विल डिसाइड कि उसके लिए आपको कैसे इम्प्रूव करवाना है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट थिंग इज CDS में आप सबको जाना है, बहुत जल्दी FCAT में जाना है, जल्दी से एक गवर्नमेंट जॉब लेके दिखाना है। ओके, अरे जिद करना सीखो, जो लिखा नहीं है मुकद्दर में उसे हौसला करना सीखो। तो आपको अपने लक पे डिपेंड नहीं करना है, आपको अपने हार्ड वर्क पे डिपेंड करना है, अपने स्मार्ट वर्क पे डिपेंड करना है, और ये नहीं सोचना है कि अरे ये मेरे किस्मत में ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है, किस्मत कुछ नहीं होता है, किस्मत लोग बनाते हैं, है ना। विराट कोहली के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं, विराट कोहली जब एक्चुअली एक मैच खेल रहे थे तो उनको पता चला कि उनके फादर का जो है वो डेथ हो गया है, लेकिन उन्होंने वो मैच कंप्लीट किया। और आज बताइए, भारत में इनसे ज्यादा बड़ा पर्सनालिटी भी है क्या कोई? नहीं ना। तो इसीलिए आप अपने आप को मोटिवेट करते रहे हमेशा। चले, हाँ, जनवरी का अलग और इनका अलग, ठीक है। तो ये देखिए, राधिका झा नेम्ड एज CEO ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस, ये एक न्यूज हो गया है। और आप लोग इसको याद रखिए, क्योंकि फिर मैं जब करंट अफेयर्स कराऊंगी तो इस तरह से क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। तो राधिका झा जो है वो EES की CEO बन गई है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस। EO विल्सन नोन एज फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी पास अवे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, एक तो ऑबिचुअरी का हो गया कि EO विल्सन जो है वो एनवायरमेंटलिस्ट, उनका निधन हो गया है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी किसको कहते हैं, तो वो है EO विल्सन। क्लियर है? चले, द नेक्स्ट थिंग इज कि फॉर्मर ग्रीक प्रेसिडेंट, ये जो वॉइस इज क्लियर ना, फॉर्मर ग्रीक प्रेसिडेंट जो है इनका नाम है कार्लोस पैम्पोलिस, इनका भी निधन हो गया है। पैपोलियास जो है इनका निधन हो गया है। कार्लोस ग्रीक के ये प्रेसिडेंट थे पहले। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। नेक्स्ट न्यूज आपके सामने है, IAS प्रवीण कुमार नेम एज DG एंड CEO ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जो हैं DG और CEO IAS प्रवीण कुमार जी बन गए हैं। इंडसइंड बैंक और NPCI ने टाई अप किया है साथ में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट थ्रू द UPI। तो इंडसइंड बैंक और जो NPCI ने टाई अप किया है ताकि क्रॉस बॉर्डर हो सके UPI के थ्रू पेमेंट। क्लियर है? चले, फिर द नेक्स्ट थिंग इज HDFC बैंक टाई अप विथ IPPB टू ऑफर द बैंकिंग सर्विस इन रूरल एरिया। तो ये है फिर आपके नेक्स्ट न्यूज। यस, इंडिया पैसा टाई अप विथ NSDL पेमेंट बैंक टू लॉन्च अ न्यू फिनटेक, ठीक है। दिस इज वन न्यूज। ये न्यूज नंबर कितना हो जाएगा? 7-8 हो जाएगा। वायरल देसाई बैग्ड ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021। किसने बैग किया है? वायरल देसाई ने। RBI imposes penalty on payment operator One MobiWeek and Spice Money। तो Spice Money और MobiWeek में जो है RBI ने फाइन लगा दिया है। ओके, नाउ वी विल गो विद द क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच स्टेट हैज रिसेंटली वन विजय हजारे ट्रॉफी बाय डिफीटिंग तमिलनाडु। ये बताएं, पहला क्वेश्चन, करंट
है, इसका क्वेश्चन है और ये आपके सामने है, इसका पहले आंसर बताइए। ठीक है, वन का आंसर मुझे मिल रहा है, वन का आंसर क्या है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी जीता है, तमिलनाडु को हरा कर जीता है। और ये आप बताएं कि जो विजय हजारे है वो किस गेम के लिए रिलेटेड है, ऐसे आप बैटिंग से समझे गए होंगे। तो बैटिंग फर्स्ट तमिलनाडु ने इतना स्कोर किया और फिर फाइनली हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हरा दिया है। और अब हिमाचल प्रदेश तमिलनाडु के साथ फाइनल्स खेलने के बाद हिमाचल प्रदेश ने अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी जीत लिया है जो कि क्रिकेट में होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले अगर आपसे पूछा जाए रणजी ट्रॉफी 2019-21 किसने जीता है, तो ये सौराष्ट्र है और रनर अप बंगाल रहा है। ओके, फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये तमिलनाडु ने जीता है, रनर अप कर्नाटका रहा है। डुरांड ये फुटबॉल का होता है, पहली बार 130 साल डुरांड में पहली बार गोवा ने जीता है। और संतोष ट्रॉफी जो है सर्विसेज, जितने लोग सर्विस करते हैं वो अपना टीम बना के संतोष ट्रॉफी जीत चुके हैं सर्विसेज में। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, हु हैज रिसेंटली वन नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल, तो ये आप जानते हैं कि ये पंकज अडवाणी ही जीत सकते हैं। पंकज अडवाणी ने नेशनल बिलियर्ड टाइटल जो है उसको जीत लिया है और 11वीं बार इन्होंने ये ट्रॉफी जीता है। और डिफीट किया है किसको, डिफीट किया है पीएसपीबी टीममेट ध्रुव सितवाल को। ठीक है, तो यहाँ पे पंकज अडवाणी ने ये ट्रॉफी जीत लिया है बिलियर्ड्स में। क्लियर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखें क्वेश्चन के पहले अगर आपसे पूछा जाए 72nd 71st ग्रैंड मास्टर कौन है, तो ये देखें मित्रा बाहा जो है, मित्रा बाहा गुहा ये 72nd है। इसके पहले जो है संकल्प गुप्ता जो है वो 71st थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का रैंक क्या है मेडल टैली में, किस चीज़ के मेडल टैली में, एशियन आर्चरी चैंपियनशिप जो कि ढाका में हुआ है उसमें इंडिया का है रैंक 2nd। और हरभजन सिंह जो है उन्होंने हर फॉर्म से रिटायरमेंट ले ली है। ये कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज आपके हो गए। यस, वेरी गुड। माइक अभी ठीक है ना, आवाज आ रही है क्लियरली? हाँ, तो बताएं कि विच बैंक हैज वन CIIDX अवार्ड फॉर द मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस। ये बताएं कि सबसे ज्यादा इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस करने वाला जो बैंक है वो कौन सा बैंक बन गया है, इसको बताएं जल्दी से कमेंट सेक्शन में। यस, बढ़िया बढ़िया गाइज, आई एम नॉट गेटिंग आंसर्स। एवरीथिंग इज क्लियर राइट? तो चले, इसका आंसर जो है वो क्या है, HDFC बैंक को नॉमिनेट किया गया मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस, यानी कि इन्होंने बहुत कुछ नया नया शुरू किया है इसलिए इनको बेस्ट इनोवेटिव प्रैक्टिस के लिए बोला गया है, अवार्ड मिला है। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2021 के लिए। क्लियर हो गया है। चले उसके बाद देखें HDFC और क्यों न्यूज में था, मुंह बंद रखो कैंपेन HDFC का है। HDFC का टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। उसके बाद HDFC के CEO और MD जो है सतीश धर जगदीशन है। और फिर HDFC से रिलेटेड नहीं लेकिन पूरे बैंक के प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन जो है, ये मैंने काफी बार बताया इनके गोयल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी द आंसर। थोड़ा थोड़ा जल्दी करते हैं हम लोग क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं। ये है विच गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च मीना मनजापा स्कीम। देखिए इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, मीना मनजापा, ठीक है, ये बताएं मनजापा जो स्कीम है ये किस बैंक, ये किस स्टेट का लॉन्च है। तो देखिए इसको समझे, तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये स्कीम को लॉन्च किया है कि ये प्रमोट करेंगे क्लोथ बैग,
यानी कि प्लास्टिक बैग को हटाकर ये कपड़ों से बने हुए बैगों को यहाँ पे प्रमोट करने की बात कर रहे हैं ताकि इको फ्रेंडली हो सके। और द पर्पस ऑफ दिस अवेयरनेस इज टू यूज येलो क्लॉथ बैग, जो कि मनजापाई इज इनकरेज पीपल टू रिटर्न टू द यूज ऑफ द क्लॉथ बैग इको फ्रेंडली के लिए। क्लियर है? हाँ, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, देखिए तमिलनाडु से रिलेटेड हर चीज हम लोग देख लेते हैं। एजुकेशन एट योर डोर स्टेप, ये तमिलनाडु ने शुरू किया है, ठीक है। तमिलनाडु और क्यों न्यूज में है? एप्पल फेस्टिवल जो है, ये नरेंद्र सिंह तोमर जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, ये कहाँ पे शुरू हुआ है? ये तो ऑब्वियसली तमिलनाडु में नहीं हो सकता, जम्मू कश्मीर में हुआ है। उसके बाद डेयरी कोऑपरेशन जो स्कीम है, ये अमित शाह के अंदर है, ठीक है। अमित शाह ने इसको इनॉग्रेट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी अमित शाह जी के अंदर है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएं। ये पहले अभी हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे हैं, फिर 10 क्वेश्चन के बाद हम लोग बैक क्वेश्चंस में जाएंगे। विच स्टेट वर्ल्ड संगीत तानसेन उत्सव जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने वाले हैं? वर्ल्ड संगीत तानसेन उत्सव कहाँ पे होने वाला है, ये बताएं। तो देखिए इसका आंसर क्या है, यहाँ पे है कि वर्ल्ड म्यूजिक तानसेन जो है मध्य प्रदेश में होने वाला है। आपको पता है तानसेन जो है वो मध्य प्रदेश के हैं, और ये ग्वालियर में होने वाला है 25 दिसंबर से 30 दिसंबर, आज लास्ट डेट है, ये होने वाला है, हो रहा है। और यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि ये सिद्धनाथ टेम्पल जो ओमकारेश्वर में लोकेटेड है, नॉट ओनली इंडिया बट मेनी आर्टिस्ट फ्रॉम एब्रॉड भी यहाँ पे आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ग्वालियर में सिद्धनाथ टेम्पल जो कि ओमकारेश्वर में है, वहां पे ये उत्सव मनाया जा रहा है। और अब हम लोग पढ़ेंगे कि और क्या क्या न्यूज है। देखिए मेघालय में वंगला फेस्टिवल 44th वंगला फेस्टिवल मनाया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। बोनालू फेस्टिवल जो कि फ्लावर का फेस्टिवल होता है, बहुत सारे फूल पत्ती रहते हैं इसमें, उससे सजाया जाता है सब चीजों को, ये तेलंगाना में मनाया गया है। और जबलपुर मध्य प्रदेश में फ्लैग सत्याग्रह इसको मनाया गया है, ये तो आप लोग जानते ही हैं फ्लैग सत्याग्रह, राइट। चले थोड़ा हम लोग ना अब इसको आउटपुट थोड़ा, मैं चाहती हूँ हमेशा क्लास में बढ़ते रहे। 60 मिनट्स में मोर देन 100 क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन नंबर भले 60 हो लेकिन आपको नॉलेज जो है वो ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, राइट। आप नेक्स्ट देखें कि रिसेंटली नरेंद्रन जोड़ी जो है कोलापन, ये जज बने हैं इंडियन ओरिजिन के, हाईएस्ट जुडिशियल बेंच। कल ही हमने इसके बारे में बात किया है, इनके बारे में। अब आप लोग मुझे जल्दी से बताएं कि ये किस कंट्री के बने हैं। कल तो बात किया है हमने इनके बारे में, बिल्कुल देखते ही बता देना है। साउथ अफ्रीका, इसमें क्या ही देखना है। तो ये नरेंद्रन जोदी कोलापन जो है ये साउथ अफ्रीका के हाईएस्ट जज बन चुके हैं। और हम लोग इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन के, कल मैंने फोटो भी दिखाया है, जिसने भी क्लास किया होगा उसको याद होगा, यस। और अब देखे और कुछ न्यूज देखे, अगर नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड के बारे में पूछा जाए, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है ये, लोगों की मदद करता है नानसेन, तो नानसेन जो है वो यमन में है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंडियन ओरिजिन में ही सवाल, कि फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन टू बिकम द स्टाफ सेक्रेटरी ऑफ यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन, तो ये है नीरा टंडन, ठीक है। तो नीरा टंडन जो बिडेन की स्टाफ सेक्रेटरी बन चुकी है। हाँ, जिनका भी पहला क्लास, आपका क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। फिर आप देखें इंडियन ओरिजिन के लीडर जो है अनीता आनंद, ये क्या बन चुकी हैं, ये डिफेंस मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, ये कनाडा की बन चुकी हैं। डिफेंस मिनिस्टर कनाडा की जो हैं वो इंडियन ओरिजिन की अनीता आनंद है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ मुझे पता है ये यहाँ का कुछ इशू है, उसको सॉल्व करेंगे। देखिए कल भी मैंने आपको बताया है डबल वैलिडिटी का ऑफर जो है वो आज भर है, आज के बाद वो खत्म हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से जो भी आपको कोर्स लगता है, अगर आपको बैंक की तैयारी करनी है, एसएससी की तैयारी करनी है, डिफेंस की तैयारी करनी है, टीचिंग की तैयारी करनी है, किसी भी चीज़ की आपको तैयारी करनी है, या आप अगर आपने पैक ले लिया है
और कोई दूसरा तैयारी करना चाहता है तो आप उसको आज बताएं कि यहाँ पे डबल वैलिडिटी का ऑफर है और मैं टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगी। कोड जो है Y332 कोड है, चलें स्टार्ट। ये इसको मैं रीड कर देती हूँ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यामाहा मोटर इंडियन ग्रुप। तो देखिए कल तो हम लोगों ने कितना बार बोला है ना, तो इसको आप जल्दी से बता दें इसका आंसर। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम से, ठीक है, टेलीग्राम से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अपने सहपाठियों से टेलीग्राम्स का पूछ लें कहाँ से जोड़ना है टेलीग्राम में। अब देखिए इनका नाम जो है, ये नाम है चिन्हाना, है ना, चिन्हाना। तो ऐसे चिन्हाना जो है इनका नाम है, जापानी है, यामाहा के ये क्या बन चुके हैं, यामाहा के ये चेयरमैन बन चुके हैं। यामाहा बाइक वगैरह चलता है आपको पता ही है, ज्यादा ही पता है आपको, तो ये बन चुके हैं, इसमें तो आपको कुछ जानना नहीं है। मोतोफी सितारा जो है इनको ये रिप्लेस करके ये यामाहा के चेयरमैन बन गए। द नेक्स्ट थिंग इज, अगर आपसे पूछा जाए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के एडिशनल चार्ज में किसको लिया गया है, तो ये कुलदीप सिंह है। फिर अगर आपसे पूछा जाए ये सवाल कि डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्डिनेंस, जहां से वेपन वगैरह बनता है, वो कौन है, तो ER शेख जो है उसके डायरेक्टर जनरल हैं। अगला सवाल क्या पूछा जा सकता है कि चीफ हाइड्रोग्राफर, देखिए जब ये बने तो बहुत हल्ला हमने भी किया था, ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन बने, काफी बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। एडमिरल अधीर अरोड़ा बन गए हैं। देखिए अगर आपको करंट अफेयर्स में कुछ भी नहीं आता हो और ये 3-4 दिन आप मेरे साथ बने रहेंगे तो इस साल भर का करंट अफेयर्स मैं रिवाइज करवा दूंगी, दिस इज अ प्रॉमिस। बस आपको 3-4 दिन जो है बने रहना है कंटिन्यूअसली। फिर आप देखें स्पेशल डायरेक्टर ऑफ SBI ऑफ CBI जो है CBI, तो ये बन गए हैं प्रवीण सिंह, ठीक है, प्रवीण सिन्हा बन गए हैं। अंडरस्टूड, मैंने कितना नाम दिया आपको। देखिए ER शेख जो है वो ऑर्डिनेंस के बने हैं जहां वेपन बनाया जाता है, कुलदीप सिंह जो है वो NIA के बन गए हैं, उसके बाद हाइड्रोग्राफर जो है वो अधीर अरोड़ा जी बन गए हैं, और स्पेशल डायरेक्टर ऑफ CBI जो है वो प्रवीण सिन्हा बन गए हैं। कल मैंने आपको विक्रम मिश्री जी के बारे में बताया है कि वो क्या बन गए हैं, NSA के डिप्टी डायरेक्टर, ठीक है। चलिए अब छोटा सा लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखिए, ये मोदी गैम्बिट करके डिकोडिंग मोदी 2.0, कल ही ये बुक मैंने बताया है, कल इस बुक के बारे में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि किसने लिखा है ये बुक। अब ऐसे ही करेंगे, ठीक है, कि कल जैसे आज मैं बताऊंगी न्यूज और कल उससे क्वेश्चन पूछूंगी, तो आज मैंने शुरू में 9 न्यूज बताए हैं और कल मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगी, तो आप लोग अवेयर रहिएगा, ठीक है। ओके, झांसी इज नाउ रानी लक्ष्मी, ओके। तो ये देखिए इसका तो पता ही आपको, संजू वर्मा जो है इन्होंने किताब लिखा है द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि देखिए ऑथर ऑफ हिंद स्वराज कौन है, महात्मा गांधी, इसमें लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। आनंद मठ किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है, जहां से आपका राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। धर्मा जो है वो अमीश और भावना रॉय ने लिखा है, ये थोड़ा हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया है। और सत्यप्रकाश दयानंद सरस्वती जिन्होंने DAV की स्थापना की और क्या कहा, गो बैक टू वेदास, ठीक है, तो ये इन्होंने किया है, क्लियर है। द नेक्स्ट थिंग इज, ये क्वेश्चन का आंसर आप देखें और जल्दी से आंसर बताएं। जेम्स वेब जो है वो लॉन्च हो गया है, बहुत पावरफुल है, कहाँ का है, हाँ झांसी स्टेशन का नाम चेंज हो गया है, जेम्स वेब जो है वो नासा का है, जेम्स वेब टेलीस्कोप कहाँ का है, नासा का है, यही सवाल आपसे बस पूछा गया है। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया है, जेम्स वेब जो है वो फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया है, इसको भी ध्यान रखेंगे, क्या पता पूछ लिया जाए। Which state has topped the composite ranking in good governance index? तो ये तो आप जानते हैं कि गुजरात जो है इसने टॉप किया है, इसमें तो कुछ सोचना समझना है नहीं, गुजरात ने टॉप किया है, उसके बाद महाराष्ट्र है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद गोवा है, 1, 2, 3, ठीक है। यूनियन के टेरिटरी में किसने टॉप किया है, तो दिल्ली ने टॉप किया है, और उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है हमको नहीं पता, बस इतना ही ध्यान रखना है, क्लियर है। चले, विच वैक्सीन बिकेम द सेकेंड टू
रिसीव अप्रूवल फॉर इमरजेंसी यूज ऑफ चिल्ड्रेन इन इंडिया? ये बताइए इसका आंसर, यार ये मैंने बता रही, ये आप बता रहे, जल्दी से बताइए आंसर। कौन सा ऐसा वैक्सीन है जो कि सेकेंड यूज के लिए यूज हो चुका है, सेकेंड, इसके पहले कौन सा हुआ है, अभी कौन सा हुआ है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा कि कोवैक्स, बायोटेक का जो कोवैक्स है उसको बोला गया है कि ये यूज कर सकते हैं। कौन बोलेगा ये? DCGI बोलेंगे। देखिए ये भी जानना जरूरी है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ही बता सकता है कि कौन सा दवाई यूज करना है, कौन सा नहीं करना है। तो इन्होंने ये बताया है। और एक कौन सा 12 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं उनके लिए इसको चूज किया गया है, कोवैक्सीन बिकेम द सेकेंड। क्लियर है? यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर देते रहिए इसी तरह। अब देखिए यही क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किया है, ये क्वेश्चन फिर ऐसे आ गया कि मीना मंजापी जो है वो किस स्टेट का है? तो इसमें बस कुछ नहीं है, पीला रंग का कपड़ा जो है उसी में आपको घर का खाना जो भी आप खरीदते हैं आप पॉलिथिन ना यूज करें, और ये मीना मंजापी यूज करें, ये तमिलनाडु सरकार ने बोला है। क्लियर हो गया है? तमिलनाडु सरकार ने बोला है कि सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक, एक बार यूज करके जो फेंक दिया जाता है, इसी जगह यूज ऑफ क्लोथ बैग करेंगे कि बार बार वही बैग को हम लोग यूज करेंगे। ये स्टालिन जो है, करुणानिधि स्टालिन, इन्होंने ये बात कहा है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने भारत दर्शन पार्क किस सिटी में शुरू किया है, ये बताइए। होम मिनिस्टर अमित शाह ने भारत दर्शन शुरू किया है, तो ये भी हम लोगों ने कल बात किया है इस बारे में। और ये कहाँ पे शुरू हुआ है इसको बता दीजिए आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में। हरियप, तो ये दिल्ली में है ना, तो दिल्ली में इन्होंने इसको शुरू किया है। भारत दर्शन पार्क का इनॉग्रेशन अमित शाह जी ने दिल्ली में किया है। फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि देखिए आजादी के 75 साल स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल ऑफ गार्बेज फ्री सिटी टूल किट 2022। तो बोला गया है कि अब हम जो सारे कचरे जो हैं शहर से साफ कर देंगे, और ये बताएं कि ये किस स्टेट में हुआ है, मतलब ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अनाउंस किया है। आयुष, नीति आयोग, MOHUA, ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है ना, और या फिर इंडियन रेलवे। तो ये शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा। ये कह रहा है कि जब हम आजादी के 75 साल मना रहे होंगे तो हमें ऐसे शहर चाहिए जो कि पूरी तरह से क्या है, गार्बेज फ्री है। इसमें 16 इंडिकेटर्स रहेंगे और टोटल 1 स्टार से लेके 3 स्टार तक इस तरह से चीजें चलेंगी। और इंडिकेटर्स जो है पहले कितने थे, 24-25 थे, अब 16 हो गए हैं, और ये स्वच्छ भारत अभियान 2 का है हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साफ, SAFF Under-19 विमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप जो है वो कौन से कंट्री ने जीता है? देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये विमेन फुटबॉल है, विमेन फुटबॉल पे सवाल कभी कभी नहीं आते हैं लेकिन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश ने भारत को हराकर सैफ Under-19 विमेन फुटबॉल जीत लिया है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, तो ऐसा हो गया है, खैर हो गया है तो हो गया है। और ये देखिए एक है शहीदा अख्तर रीपा जी, देखिए जब कोई अच्छा करता है ना तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो बांग्लादेश में इन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्स बनाया है और इनको मिला है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। तो याद रखिएगा ये नाम, क्या पता फिर से न्यूज में आ जाए, शहीदा अख्तर रीपा जी। क्लियर है? नेक्स्ट देखें आप, ट्राइफेड वन धन अ पिक्टोरियल क्रॉनिकल ऑफ ट्राइबल ग्रिफ्ट एंड एंटरप्राइज, ये किसने लॉन्च किया है, क्या है, इस बारे में अभी हम लोग जानेंगे, पहले आप लोग आंसर बताइए। अप्रिशिएट करना चाहिए, अगर किसी ने कुछ अच्छा किया है तो उसमें अप्रिशिएट करने में क्या दिक्कत है। हवा की रुख मेरी तरफ नहीं थी इसलिए हमने अपना कारवां जो है वो हवा की रुख की तरफ मोड़ दिया, ये बात समझे, ये अरब सेलर्स बोलते होंगे ज्योग्राफी में। चले तो इनका नाम जो है ये है अर्जुन मुंडा और यही है हमारे ट्राइबल मंत्री, और इन्होंने शुरू किया है ट्राइफेड वंधन।
और ये पिक्टोरियल क्रॉनिकल ऑफ ट्राइबल ग्रिफ्ट एंड एंटरप्राइज है, क्लियर है। 14 हनी फार्मर्स प्रोड्यूसर, देखिए ट्राइब जो है वो जंगल में रहते हैं, आपको पता है जंगल कितना बड़ा रिसोर्स है, वहां से कितनी सारी चीजें मिलती हैं, तो यहाँ से ये लोग जो हैं वो हनी भी कलेक्ट करेंगे। ये क्या हो गया, कुछ कुछ होते रहते हैं यहाँ पे। हाँ अब देखिए ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम जो कि 164 करोड़ हैज बीन अप्रूव्ड अंडर जल जीवन मिशन, तो ये बताएं कि अब ये किस स्टेट का कहानी है। हर स्टेट में कुछ ना कुछ कहानी होते रहता है, हम लोगों को सारी कहानियां पढ़नी है। ओके तो ये देखिए उत्तराखंड है, ये जल जीवन मिशन, ये हो गया 164 करोड़ अप्रूव किया गया है जल जीवन मिशन में, क्लियर है। और यहाँ पे देखिए कितने ज्यादा विलेजेस को, 140 विलेज जो कि अल्मोड़ा बागेश्वर और देहरादून नैनीताल में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, ये 5 डिस्ट्रिक्ट के जो 140 विलेजेस हैं इनको इससे फायदा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरेंद्र सिंह तोमर ने इनॉग्रेट किया है 4 दिन का एग्रीकल्चर एग्जीबिशन एग्रोविजन, ये कहां पे शुरू किया गया है, कहां शुरू किया गया है? आप लोग आपस में बात नहीं करेंगे, हमारा पढ़ाई सुनेंगे, सुन लीजिए कि नागपुर में इसको शुरू किया गया है। और ये देखें ये एग्जीबिशन 27 दिसंबर तक है, थोड़ा एक दो दिन पुराना हो गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए ये एग्जीबिशन शुरू किया है। फिर आप देखें कि इंडियन ओरिजिन, ये देखिए ये क्वेश्चन आप लोग बार बार जानते हैं, भारत मूल, भारतीय मूल के जो है साउथ अफ्रीका में जज बन गए हैं, इनका नाम है नरेंद्रन कोलापेन, है ना, कोलापेन जो है इनका नाम है। उसके बाद आप देखें ये तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, अब तो हम लोग को याद हो गया है क्या, नॉर्मल सवाल है। 66 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर का एम्ब्रियो मिला है, एम्ब्रियो आप समझते हैं जहां से बच्चा निकलता है, डिस्कवर्ड किया गया है, कहाँ पे है ये, कहाँ मिला है? आज से 66 मिलियन, मिलियन समझते हैं, 1 मिलियन 10 लाख होता है, तो इतना साल पुराना डायनासोर का एम्ब्रियो, मतलब उसी से बाद में जाके बच्चा विकसित होता है, आप लोगों को पता होगा एम्ब्रियो जैसे अंडा का एम्ब्रियो होता है, तो ये बताएं कहाँ मिला है? ये अमेरिका में नहीं मिला है, चाइना में मिला है, और ये है 66 मिलियन ईयर्स अगो का डायनासोर का एम्ब्रियो ग्वांगझोउ में मिला है, ग्वांगझोउ जो कि सदर्न चाइना में है, क्लियर है? यस, बहुत बड़े, बहुत बड़े, नहीं अमेरिका नहीं है रजत। चलिए देखे तो ये इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, नेशनल बुक ट्रस्ट ने अनाउंस किया है, अभी बहुत जल्दी हम लोग जनवरी फरवरी मार्च देखेंगे, इसलिए आप लोग प्लीज थोड़ा सा जल्दी जल्दी आंसर दें। देखिए हमारा स्पीड जो है वो ऐसा चलना चाहिए कि जैसे अभी 8:34 है, क्लास आज 4 मिनट बाद शुरू हुई है, तो मान लीजिए हम लोग 28वें मिनट पे हैं, तो हमारा 21वां क्वेश्चन नहीं चलना चाहिए, हमारा 28वां क्वेश्चन चलना चाहिए, ठीक है। चलें तो ये बताएं कि पीएम युवा मेंटरशिप स्कीम में कितने ज्यादा ऑर्थर हैं, तो ये देखें टोटल 75 ऑर्थर हैं। अब ये समझिए ये क्या है, मोदी जी के गवर्नमेंट में ये क्या शुरू हो गया, तो मोदी जी ने बोला कि पीएम युवा मेंटरशिप शुरू करेंगे, नेशनल मूवमेंट मूवमेंट ऑफ इंडिया, और यहाँ पे 75 ऑर्थर को रखेंगे, और ये जो है 30 साल से कम के होने चाहिए, और इनको ये पढ़ा लिखा गया, मतलब कुछ मेंटरशिप करेंगे, जिसमें से 38 मेल हैं और 37 फीमेल है, क्लियर है, अंडरस्टूड। चलें डायनासोर को भी खा जाएगा चाइना वाला, अच्छा ओके, ज्ञात नहीं है, बहुत बहुत सारा ज्ञात भी नहीं, ठीक है। इंडियाज ओनली निकल प्रोड्यूसर आफ्टर रिसेंट एक्विजिशन, ये बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ये सवाल आप समझ रहे हैं, इसका वेटेज आप समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है, भारत में एक लौता निकल प्रोड्यूसर कौन सा कंपनी बनेगा, लेकिन इसने कुछ एक्वायर किया है उसके बाद ये बनेगा, ये बताएं जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दें, इसका हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि क्या कहानी क्या है इसके बारे में, है ना। यस
तुक्का मारो मधुमिता, तुम बस तुक्का मारो। देखिए वेदांता लिमिटेड जो है इसने गोवा बेस नेकोमेट जो कि निकल निकल ठीक है Ni निकल और कोबाल्ट CO कोबाल्ट प्रोड्यूस कर रहा था और इसको एक्वायर कर लिया है। वेदांता जो है एक लौता निकल प्रोड्यूसर बन गया है देश में और निकल जो है ये रॉ मटेरियल है स्टेनलेस स्टील के लिए, बैटरीज के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इन चीजों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जल्दी से देखें, नए मेयर बने हैं फिरहाद हकीम, ये किस जगह के नए मेयर बने हैं इसको बताएं जल्दी से। मेयर के बारे में पूछा जा रहा है, ये कहाँ के नए मेयर बन गए हैं जल्दी जल्दी। फिरहाद हकीम जी जो हैं वो नए मेयर बन गए हैं कलकत्ता के। कलकत्ता के जो तृणमूल कांग्रेस के जो सुप्रीमो हैं ममता बैनर्जी, इन्होंने अनाउंस किया है, क्या इन्होंने अनाउंस किया है कि फरीद हकीम जो हैं वो कलकत्ता के जो हमारे हमारा ऑलमोस्ट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड ओल्डेस्ट सिटी भारत का, वहां पे ये हकीम जो हैं ये बन गए हैं और सुब्रता बख्शी जो हैं इनको नॉमिनेट किए थे। क्लियर है, कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब देखें यहां से कहानी क्या शुरू हो रही है कि हम आपसे जनवरी का पूछ रहे हैं। अगर 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जनवरी का, नहीं पता है कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आप बोर ना हो और आप बस आंसर जानने का जिज्ञासा रखिए। ठीक है, चले हाँ वही ना मैम, सर बोल रहे हो, सर मैं थोड़ा हकलाना इज नॉट अ प्रॉब्लम, हकलाने मैं भी हकलाती हूँ, ठीक है, तो ये कोई बड़ा बात नहीं है, बस आप थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, ठीक हो जाएगा। कोई भी आप में ऐसा समस्या नहीं हो सकता जिसका कोई निवारण ना हो, ठीक है, वो ठीक हो जाता है, बस आपको प्रैक्टिस करना है, उसके बाद भी आई एम हैविंग कॉन्फिडेंस ना, उसके बाद भी आई एम रिकमेंडेड ना, तो उसके बाद आप टेंशन मत लिया कीजिए। चलिए तो विच कंट्री इज सेट टू ज्वाइन एज द सिक्स्थ मेंबर ऑफ द फाइव आईज इंटेलिजेंस नेटवर्क। देखिए ये सवाल हम कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, पांच आई कहते हैं जब भी पूरी दुनिया में कुछ हो रहा हो तो फाइव आई होता है, सिक्स आई कौन बनने वाला है, आएगा कहीं से भी आ सकता है जापान, वो सवाल आ सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है। अब जैसे मान लीजिए ये सवाल है, जापान अभी तक बना तो नहीं है, तो मान लीजिए यही सवाल अगर हम दिसंबर में आपसे पूछ ले तो ये पुराना करंट अफेयर्स तो नहीं हुआ, भले बात जो है जनवरी में उठी थी लेकिन यही सवाल क्योंकि जापान नहीं बना है। अब मान लीजिए कि इंडिया जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल में जाना चाहता है, तो ये सवाल कभी पुराना होगा क्या कि ये पुराना किसी महीने का हो जाएगा, नहीं होगा ना, तो इसीलिए उसी तरह से हाँ फिजिक्स की सब चीज की क्लास चलती है। चलिए तो अब आप इसका आंसर बताएं, इंडियन रेलवे कंप्लीटेड द ट्रायल रन्स ऑफ द न्यू विस्टाडोम टूरिस्ट कोच मैन्युफैक्चर्ड बाय। अब बताएं देखिए हम लोग ने विस्टाडोम टूरिस्ट कोच का नया नया एकदम ताजमहल जैसा फाइव स्टार होटल जैसा हम लोग ट्रेन बना रहे हैं, तो ये ट्रेन जो है ये कहाँ से आया है, हाँ यूके तो पहले से है ना, तो जापानी होगा, कुछ वर्ड तो आके मुंह से को निकलते हैं उनको कोई कॉपी नहीं कर सकता। असलम खान आप क्या बोल रहे हैं, चले तो आप बताएं जल्दी से इसका आंसर। देखे इंटेग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, ठीक है कोच फैक्ट्री चेन्नई में एकदम ताजमहल जैसा ट्रेन बना के हम लोगों को देगा, वाह सही है, लेकिन हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, आप लोग जब नौकरी लग जाएगा सरकारी तो खुद भी घूमिएगा और मैडम को भी घुमाइएगा, ठीक है मैडम मतलब हमको। फिर देखिए यहाँ पे कुतान कुतान, ठीक है गाली नहीं दे रहे हम, इसका नाम ही है जगह का नाम है, अब हम तो है नहीं साउथ के तो हमको पता नहीं कि इसको अनाउंस कैसे करते हैं, बोला कैसे जाता है, तो आप समझ जाइएगा। वेयर ओवर 20,000 डक डाइड, देखिए अब ये जो है ये कभी पुराना न्यूज हो सकता है, इतना ज्यादा न्यूज में आ गया था, इतना ज्यादा चर्चा में आ गया था ये, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है आप लोगों को ज्वाइन करना है ना, आपको जो भी कोर्स चाहिए अभी हम खोल के दिखाएंगे स्टोर,
फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी चाहिए सब है अड्डा के ऐप पे। आप आज ही जाके उसमें इनरोल हो जाइए, लेकिन कोड हमारा यूज कीजिएगा वरना फिर हम आपको एकदम गुस्सा जाएंगे। Y332 कोड है, इसी को यूज करना है, ठीक है। चले तो ये बताएं, ये देखिए, ये केरला में ना 20,000 मुर्गियां जो हैं उनको मार दिया गया था, क्यों? कोविड के कारण, कि कोई उनको खा ना जाए। फिर नेक्स्ट आप देखें, यूरोपियन यूनियन ने साइन किया है इन्वेस्टमेंट ट्रीटी किस एशियन कंट्री के साथ? तो यूरोपियन यूनियन जो है वो कह रहा है कि हम इन्वेस्ट करेंगे किसके साथ? चाइना के साथ किया है। अब इनका अपना मन है, क्या ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया आस्क्ड व्हिच कंट्रीज टू असिस्ट इट्स क्रू मेंबर टू स्टैंडर्ड कार्गो वेसल एमवी जग आनंद एंड एमवी अनास्ताशिया, ठीक है। ये देखिए क्या है, ये पूरा कहानी समझिए। भारत में कार्गो वेसल है, कार्गो वेसल यानी कि जो इंसान को नहीं, सामान को एक जगह से एक जगह करती है। एमवी जग आनंद और एमवी अनास्ट एशिया जो है, तो भारत ने किस कंट्री को बोला है कि मिल के काम करेंगे? भारत ने चाइना को बोला है, सब चाइना ही को बोल रहा है, ठीक है। सोमा मंडल न्यू चेयरपर्सन ऑफ विच पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज? अब देखिए, क्योंकि ये भी बड़ा ज्यादा न्यूज में रही, तो जनवरी का न्यूज थोड़ी रहेगा, ये तो आपका करंट अफेयर्स ही रहा, हमेशा करंट अफेयर रहेगा। तो सोमा मंडल जो है वो कहाँ की चेयरपर्सन बनी है? क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ कि विमेन बनी है, इसीलिए इनसे पूछा जा रहा है। बताइए, एनडीए का क्लास करना है, ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। आप लोगों को ना पढ़ाई छोड़ के ना, वो होता है ना कि देखिए, हम बताते हैं आप लोगों में क्या दिक्कत है। हम बहुत बार नोटिस किए, इंजीनियर्स जितने हैं चाहे जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक बच्चा होता है ना, वो बैठा हुआ है शांति से, अब उसको हम एक डॉल दे दिए खेलने के लिए, और अब उसको वो डॉल पता है कि उसको मिल गई है, अब उसको वो छोड़ के बाकी दुनिया का सब खिलौना चाहिए, हमको कार चाहिए, हमको हेलीकॉप्टर चाहिए, हमको एरोप्लेन चाहिए, हमको एक्सबॉक्स चाहिए, PS4 चाहिए, सब चाहिए। वही आपका भी हाल है। ये नहीं कि आराम से बैठ के डॉल से खेल ले, मतलब कि आराम से बैठ के क्लास देख ले, आराम से बैठ के जो 60 क्वेश्चन हम लेके आए हैं उसको समझ ले, लेकिन नहीं, अभी आपको क्या चाहिए? अभी आपको PDF चाहिए, अभी आपको दूसरा भी कोर्स पढ़ना है, अभी आपको NDA में भी जाना है, सब काम अभी कर लेना इसी 1 घंटा में, ठीक है। चले तो ये कौन सा हो जाएगा? सेल हो जाएगा। देखिये, एस से सोमा मंडल और एस से सेल, यही बन गई है इनकी चेयरपर्सन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज भारतीय निर्देशक द्रव्य? ये बताएं ये क्या है, ये द्रव्य जो है ये क्या है? एफ कैट रीजनिंग के लिए चैनल पर कैसे पढ़ाया जाता है? ये बस इसके बाद हो जाएगा, 11 बजे से ST पांडे आपको मिल जाएगा रीजनिंग के लिए क्लास, साहिल सर कराते हैं, मुझे बहुत नीड है रीजनिंग पढ़ने की, साहिल सर बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ साहिल सर, रीजनिंग सेशन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 32 में से 32 हो जाएंगे, 25-28 क्या है, ठीक है। तो 11 बजे से आपको मिल जाएगा, 10 बजे देखिए क्लास का मैं टाइम बता देती हूँ, 8 से 9 चलता है मेरा करंट अफेयर्स, 9 से 10 जो इंग्लिश चलता है आई गेस, 10 बजे से साहिल सर का क्लास चलता है, उसके बाद जिवेश सर का क्लास चलता है जो कि आपको GK पढ़ाते हैं, और फिर गोपाल सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, बस हो जाएगा आपका यहीं से, सब काम यहीं से हो जाएगा। तो ये देखिए, सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल, सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल न्यूज में रहा है, यही है भारतीय निर्देशक द्रव्य, इसको ध्यान रखेंगे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच इज द फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया टू बी कन्वर्टेड इन टू स्मॉल फाइनेंस बैंक? ये देखिए, ये भी क्वेश्चन ना बड़ा ज्यादा न्यूज में था, पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिसको उल्टा नीचे कर दिया गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक बना दिया गया, तो ये बताएं ये क्या हो जाएगा? अच्छा, आपके उतने ही हो पाते तो आप और प्रैक्टिस कीजिए ना। शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक को क्या बना दिया गया? स्मॉल फाइनेंस बैंक बना दिया गया, महाराष्ट्र का ये बैंक था, इसको ध्यान रखिएगा, ये भी न्यूज बड़ा न्यूज था, है ना। फिर देखें,
हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया. ये बताएं इस बुक के जो ऑथर हैं ये कौन है और इसको रिलीज किया गया है अभी अभी. भारत का 71 ईयर्स द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया, ये बताएं. हाँ 10 बजे से होता है बिल्कुल. सबका क्लास कर लो, मेरा भी कर लेना यार प्लीज. तो यहाँ पे देखें इंडिया 71 ईयर, ये कौन सा, किसने लिखा है, ये आर कौशिक है, इन्होंने ये किताब लिखा है. देखिए सारे मैंने छाट छाट के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में लेके आ रही हूँ, मुझे बाद में कोई कंप्लेन नहीं चाहिए कि मैम मैंने सुना नहीं, मैम मैंने देखा नहीं. विच कंट्री क्लेम्ड अ इक्विलाइजेशन लेवी इन इंडिया डिस्क्रिमिनेटरी. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. जितना भी हमारे देश में बड़ा बड़ा कंपनी है ना, वो क्या करता है, अपना टैक्स बचाने के लिए हमारे देश में कोई कोई चीज, कोई बिल्डिंग, कोई ऑफिस, कोई फैक्ट्री खोलता ही नहीं है. और ये क्या करते हैं, बाहर रहते हैं. और फिर जब आप फेसबुक यूज करेंगे या कुछ भी यूज करेंगे तो आपको एडवर्टीजमेंट मिलता है, तो वो सारा पैसा इनके पास जाता है. लेकिन इक्विलाइजेशन लेवी जो है ये टैक्स नहीं देते हैं. तो ये उस देश, ये देश कह रहा है कि भारत में उनसे और टैक्स वसूला जाता है. और ये सारे बड़े बड़े कंपनी जो हैं वो अमेरिका के होंगे तो वही ये बात बोलेंगे. और इक्विलाइजेशन लेवी जो है वो क्या है वो आपको पता होना चाहिए. नहीं पता है तो आप चिंता मत करिए, सीडीएस के बैच में सब पता चल जाएगा. द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, अब देखिए ये फरवरी का सवाल हम पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है, ये फरवरी का आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है. बताएं जल्दी से, फ्रांस क्यों होगा, सारा कंपनी तो अमेरिका का है ना, तो अमेरिका ही होना चाहिए ना, क्यों फ्रांस क्यों. एनवायरमेंट मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली रिलीज किया है नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ विच स्पाइसेस. अब देखिए स्पीसीज, तो अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस जानवर को बचाएंगे. कौन सा जानवर को बचाएंगे, मैरीन टर्टल को बचाएंगे, जो समुद्र में कछुए रहते हैं उनको बचाएंगे. क्लियर है. फिर अगला सवाल है कि स्टार प्रोजेक्ट में आर क्या है, आर क्या, तुमको तो पूरा स्टार ही नहीं पता है, तो इसीलिए हम पूरा स्टार का फुल फॉर्म बता रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए. सिविल का महापैक ले लीजिए, लेकिन कोड आपको यूज करना है Y332. सिविल में रजत सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पूरा सिविल जो है जितना भी बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है उससे बेटर कोर्स आपको दिया जा रहा है अड्डा इंजीनियर्स पर रजत सर द्वारा सिविल के लिए. लेकिन कोड हमारा यूज कीजिएगा तो आपको डिस्काउंट मिलेगा. चले तो ये स्टार का फुल फॉर्म आप देखिए, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स. समझ में आया, यानी कि पढ़ना पढ़ाना को और मजबूत किया जाएगा ताकि हर राज्य से अच्छे रिजल्ट निकल सके. फुल बेरोजगार है सारे बैचेस अभी हम बता रहे हैं, बस हम तुरंत से क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं उसके बाद हम बताते हैं. एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज हेल्थ इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा रिलीज किया गया है, तो इसमें भारत का रैंक जो है 10वां है. हमारा हेल्थ में रैंक जो है बहुत खराब है, 10वां है. आप लोग हमको ना क्वेश्चन नहीं कराने देते, बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लगते हैं. देखिए चौरी चौरा कांड जो है वो आपको पता है 1922 में हुआ था और ये उत्तर प्रदेश में है, ये तो आप जानते ही हैं. फिर आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कंट्री ने अभी रिसेंटली अमेंडेड इट्स सिटीजनशिप लॉ टू अट्रैक्ट इंडिविजुअल फॉर स्पेशलाइजेशन स्किल, तो ये कौन सा देश है, ये है आपका यूएई. यूएई चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पर आए, तो यूएई ने अपना थोड़ा सा बदल दिया है स्पेशलाइजेशन स्किल के लिए, लोगों को बुलाने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जास्कर वैली के बारे में पूछा जा रहा है. देखिए जास्कर वैली जो कि न्यूज में रहा है, तो जास्कर वैली कहाँ है, ये है लद्दाख में, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कि एज पर द बजट 2021-22, अभी देखिए फरवरी वाला आएगा तो हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे, 2021-22 एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट फॉर करेंट. डेफिसिट क्या होता है समझ में आता है, जैसे मान लीजिए कि आपका इनकम जो है वो 100 रुपए है और आपका एक्सपेंडिचर जो है वो 120 रुपए है, तो 120 माइनस 100 जो है 20 रुपए आपका क्या हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा. तो करंट डेफिसिट जो है हमारा वो कितना है, 9.5% जो है हमारा करंट डेफिसिट है, यानी कि हमारा खर्चा जो है वो 9.5 रुपए ज्यादा है. समझ में आ रहा है. यस, हाउ मेनी न्यू फॉरेस्ट, न्यू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आइटम्स हैज बीन एडेड
अंडर द मार्केटिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस थ्रू एमएसपी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर फॉरेस्ट वाले लोग जो हैं वो कुछ चीजों को देंगे, ठीक है, कुछ चीजों को अभी मार्केट में बेचेंगे तो उनको एमएसपी मिलना चाहिए। तो टोटल 14 को और जोड़ लिया गया है, कितने हैं टोटल वो हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियान। देखिए एशियान इंडिया हैकाथॉन ये हुआ था, एशियान में 10 कंट्री है जिसमें इंडिया नहीं है, याद है ना, चाइना भी नहीं है, जापान भी नहीं है, साउथ कोरिया भी नहीं है, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, इस टाइप के देश है, ब्रुनेई, ठीक है। तो यहाँ पे हैकाथॉन जो है वो किसने शुरू किया, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने शुरू किया है। कल्चर नहीं है, एक्सटर्नल अफेयर्स भी नहीं है, साइंस एंड टेक भी नहीं है, एजुकेशन मंत्री द्वारा ये शुरू किया गया है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LIC। तो LIC के नए मैनेजिंग डायरेक्टर जो है सिद्धार्थ मोहंती बने हैं, MD जो है LIC के वो ये बन चुके हैं, क्लियर है। विच इंस्टीट्यूट इज टू प्रोवाइड $304 मिलियन लोन टू असम टू इनहांस इंटर स्टेट पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट। तो ये बताएं ये किसके द्वारा है, AIIB, ठीक है। तो AIIB क्या कर रहा है, हम लोगों को लोन दे रहा है, ये बैंक है आप जानते हैं ना, हाँ, तो हम लोगों को लोन दे रहा है ताकि हम अपना बिजली को ठीक कर सके, ट्रांसमिशन ठीक कर सके, कहाँ पे, असम में ठीक कर सके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टी जो है उसका क्या मतलब होता है स्फूर्ति में। अब स्फूर्ति का फुल फॉर्म आप लोग हमको बताइएगा क्योंकि ये भी बड़ा न्यूज में रहा है, और स्फूर्ति में टी तो ट्रेडिशनल है, बाकी स्फूर्ति का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में मुझे जानना है। आज मार्च शुरू हो चुका है, इंडियाज फर्स्ट अंडर सी टनल यानी कि समुद्र के अंदर टनल बनाया कहां जा रहा है, मुंबई में बनाया जा रहा है, वही बॉम्बे हाई में बनाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखें विच ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट ऑफ नेशनल माइग्रेंट पॉलिसी इन इंडिया। तो कहां पे ये माइग्रेशन हो रहा है, नीति आयोग ने इसको शुरू किया है, ठीक है, कि भारत में कितने लोग आ रहे हैं, भारत से कितने लोग जा रहे हैं, उसको शुरू किया गया है। हाँ फिर आप बताएं कि देखिए हमको कोई मतलब नहीं, आप क्या कमेंट, आप जल्दी जल्दी आंसर दें, मुझे पता है कि आप लोग भूल चुके हैं मार्च का करंट अफेयर्स। मेरा यहाँ पे मकसद यही है कि ये साल खत्म होने के पहले हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस कर लें ताकि जब नए साल आए तो नए करंट अफेयर्स को पढ़े, पुराना ना बार बार पढ़ना पड़े, क्लियर है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मोंटेरिया क्रिकेट स्टेडियम, तो ये बताएं मोंटेरिया क्रिकेट स्टेडियम का नाम आप जानते हैं, इसको मोदी जी अपने नाम पे रख दिए हैं और देश का ये सबसे बड़ा है, अहमदाबाद में ये सब आप जानते हैं। अब बताएं कि विच रेगुलेटर हैज प्रपोज्ड टू इंट्रोड्यूस अ कंसेप्ट कॉल एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स। तो ये बताएं किसने किया है इसको, ठीक है, तो ये है सेबी ने इसको शुरू किया है। अगर कभी भी ऐसा शब्द दिखे तो सीधे सेबी मार दीजिएगा, कुछ सोचने समझने का जरूरत नहीं है। अब आप बताएं कि ई दाखिल पोर्टल जो है वो क्यों, क्या है ई दाखिल पोर्टल। तो देखिए कंज्यूमर ग्रीवेंसेस यानी कि अगर आप कोई सामान खरीदेंगे या आपको फेसबुक से शिकायत है, अमेजोन से, किसी भी चीज से शिकायत है, तो आप ऑनलाइन उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं ई दाखिल में जाकर, क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें जल्दी से, एज पर द वर्ल्ड बैंक विच कंट्री इज सेट टू लीड इकोनॉमिक रिकवरी। तो बताएं वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि रिकवरी ऑफ ईस्ट एशिया पैसिफिक इकोनॉमीज जो है वो कौन सा देश हो जाएगा, ये चाइना है, ये कह रहा है कि हाँ इनका रिकवरी जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक इस बात को कह रहा है। व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेटरी विथ डिटेन्ड एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर्स ऑब्जर्व्ड। तो ये बताएं ये कौन सा कब मनाया जाता है, ये कब मनाया जा रहा है गाइज, ये है 25 मार्च, ठीक है, 25 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है, क्लियर हो गया है, कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। दीक्षा जो है वो किस मंत्री के अंदर, ऑब्वियसली एजुकेशन मंत्री के अंदर है ना। फिर हील कोविड वाला न्यूज में था, तो ये कहाँ का था, ये ट्रायल चलाया गया था यूके में ये ट्रायल चलाया गया था। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए इंडो साउथ कोरियन फ्रेंडशिप पार्क जो है ये कहाँ मनाया जा रहा है,
तो ये आपका न्यू दिल्ली में है, सियोल मत मार के आ जाइएगा, ठीक है। न्यू दिल्ली में ये पार्क है, गढ़वाल हिमालयन, अ सब रेंज ऑफ हिमालयन इन लोकेटेड इन विच स्टेट। गढ़वाल कहाँ पे है, गढ़वाल कहाँ पे है, कौन से मंथ का पेरोडी होगा, ठीक है ठीक है। कल देखे ना, अभी अप्रैल चल रहा है ना, तो मई जून जुलाई ये 3 महीने का कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए गढ़वाल कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में। नहीं मैंने ना बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं उठाया, ऐसा नहीं है कि अगर आपने अप्रैल नहीं पढ़ा है तो आप आंसर नहीं दे सकते, आप फिर भी आंसर दे सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन अभी भी आए हैं न्यूज में। एकदम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स मैंने नहीं उठाया कि भाई जो तुम अप्रैल में पढ़ोगे वही, ये अभी भी आता है न्यूज में, ठीक है। अब देखिए कौन सा जो इंस्टीट्यूशन है, इसने इकोनॉमिक सोशल सर्वे ऑफ एशिया पैसिफिक अभी इसने लॉन्च किया है, तो ये बताएं कौन, किसने किया है ये एस्टिमेटेड ग्रोथ, ये है यूएनस्केप, ठीक है। तो इसने इसको शुरू किया है, ये बोल रहे हैं कि कितना कितना पैसा, कितना कौन ग्रोथ किया है, उस बारे में इसने एक अपना निकाला है, क्या रिपोर्ट निकाला है। फिर बताएं विच इंस्टीट्यूट जो है इसने रिपोर्ट निकाला है, साउथ एशिया वैक्सीनेट्स, ठीक है। साउथ एशिया वैक्सीन जो है इस पे रिपोर्ट निकाला गया है कि इंडिया अपने जीडीपी में मतलब 7.5% से ये 12.5% चला जाएगा। बाप रे बाप, पता नहीं कुछ भी बोल रहे हैं यार ये लोग। वर्ल्ड बैंक, देखिए हम आपको एक बात बोलेंगे, जितना भी आपको नंबर दिखता है ना कि इतना इंडिया ग्रो करेगा और फॉल करेगा और ये सब से पूछा जाता है, ये सब इग्नोर कर दीजिए, जब आपका परीक्षा आएगा ना तो हम आपको लिस्ट बना के दे देंगे, ठीक है। हाँ अब देखिए ये ला पेरोज, ये डिफेंस एक्सरसाइज है जो कि कर रहे हैं हम लोग किस देश के साथ, तो ये है फ्रांस, जहां पे भी ला 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 लिखा रहेगा तो वो फ्रांस है, ठीक है। और ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, ये ऑलमोस्ट लास्ट ही क्वेश्चन है, कौन सा बैंक ने पार्टनर किया है जापान के JBIC के साथ ताकि वो जापानीज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर जो इंडिया में हो रहा है उसके लिए लोन मिल सके, तो ये है हमारा SBI। यही था सेशन, कल आप लोग ना मई का पढ़ लीजिएगा, जून का पढ़ लीजिएगा, जुलाई का पढ़ लीजिएगा, तो हम लोग इसको रिवाइज कर लेंगे। और हाँ, बहुत लोगों को पता नहीं है कि कैसे स्टोर खोलना है, तो एक मिनट हम आपको दिखा देते, देखिए ये क्या हो रहा है, एक तो यहाँ पे ना कुछ भी होता रहता है, देखिए हमारा ना कंप्यूटर उतना अच्छा है नहीं। अच्छा तो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, आप पहले अड्डा के ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। फिर अड्डा के ऐप में आप स्टोर में जाइए, स्टोर लिखा रहेगा स्टोर, तो स्टोर में जब आप जाएंगे तो आपको जो भी पैक चाहिए, जैसे आपको डिफेंस का महापैक सबसे बढ़िया चल रहा है डिफेंस के लिए, या फिर अगर आपको FCAT चाहिए, या कल CDS का बैच लॉन्च हो चुका है, CDS चाहिए, या फिर आपको सिविल इंजीनियरिंग चाहिए, आप सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग लिखिए आपको मिल जाएगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिखिए आपको मिल जाएगा, सब कोर्स आपको मिल जाएगा, जितने चीज़ें आते हैं वहाँ पे करंट अफेयर्स है, मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, सब मिल जाएगा आपको, आपका सिविल मैकेनिकल टोटल चीज़। और आज ही ले लीजिए, हम आपको एज अ फ्रेंड बता रहे हैं कि आज ही ले लीजिए, अगर हमको लेना होता तो हम भी आज ही ले लेते, क्योंकि आज आपको ना डबल वैलिडिटी मिलेगा, बस आज ही मिलेगा ये, फिर खत्म हो जाएगा ये। डबल वैलिडिटी का मतलब पता है क्या होता है, कि मान लीजिए आपको 6 महीने का कोर्स चाहिए ना, तो आप 6 महीने वाले पे क्लिक कीजिएगा, लेकिन वो ऑटोमेटिकली 6+6 लिखा रहेगा उसमें, और वो 12 महीने का हो जाएगा। 12 महीने का कोर्स चाहिए उस पर क्लिक कीजिएगा, 12+12 लिखा रहेगा, वो 24 महीने का हो जाएगा, यानी कि आधे दाम में डबल चीज मिल रहा है आपको, समझ रहे हैं। तो और 77% का डिस्काउंट आपको मिलेगा, लेकिन वो पता है कैसे मिलेगा, 77% का जो डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा, और वो है Y332। और अगर आपको 1% डिस्काउंट और चाहिए, मैडम हमको और डिस्काउंट चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं हम देंगे, तो अगर आप ऐप से करिएगा, ठीक है, तो आपको कुछ कॉइन्स मिलेंगे, और वो कॉइन से आप अगर टिक कीजिएगा कि यूज माई कॉइन, जैसे जोमैटो में होता है ना कि यूज कोई डिस्काउंट, टिक कर देते हैं आप, तो उसी तरह से आपको 1% डिस्काउंट और मिल जाएगा, और टोटल 78% हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो यही बात है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, होपफुली आपको सेशन पसंद आया होगा, कल से आपका क्लास देखेंगे। हाँ
ठीक है। और आप चिंता मत करिए, करंट अफेयर्स और जीके जैसे हम क्या क्या पढ़ाते हैं आपको बता देते हैं डिफेंस पे। ये तो करंट अफेयर्स हो गया आपका 8 से 9। फिर एक सीडीएस का बैच है, उसमें जो भी चीज़ डीप में पूछा जाता है ना सीडीएस में, कि कभी कभी आपसे बहुत डीपली इन्वायरमेंट पूछ लिया या डीपली इकोनॉमिक्स पूछ लिया, तो एक मिसलेनियस टॉपिक के लिए हम अपना बैच रखे हैं, वो है MWF में, YT पे मिल जाएगा आपको। वो चलता है 5 बजे। तो कल हमने इन्वायरमेंट शुरू किया है, बहुत कम बच्चों ने देखा है, मुझे बहुत बुरा लगा ये बात। इन्वायरमेंट हमने शुरू किया है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 से शुरू किया है, उसको देखिए, वो सीरीज आपको इन्वायरमेंट का चप्पा चप्पा क्लियर कर देगा, इतना हम आपको गारंटी दे रहे हैं। कोई भी पेड कोर्स में ही आपको ऐसा कोर्सेज मिलेगा, कोई YT पे आपको इतना एक्सक्लूसिव नहीं मिलेगा, तो आप उसको देख लें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पसंद आया तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, ज्यादा पसंद आया तो शेयर कर दीजिए, जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको बताइए कि सेशन में सब कुछ पढ़ाई हो रहा है YT पे, यूट्यूब पे। थैंक यू गाइज। और हाँ, कोड आपको यूज करना है, पता है ना, Y332 आज ही कर लीजिएगा, क्योंकि आज डबल वैलिडिटी है।